Hello students, so today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 9, Fugitive Economic Offenders Act 2018. अब ये जो चैप्टर है तो ये सबसे पहली बात तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो एक्ट है वो पहली बार जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया है सीएस के सिलेबस में। इससे पहले जो है वो ये एक्ट कभी नहीं, आप देख भी सकते हो कितना लेटेस्ट एक्ट है 2018 वाला एक्ट। मतलब ऐसा तो हमने देखना पड़ता है कहाँ पे ऐसे एक्ट है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं 100-100 साल, 150-150 साल, 50-50 साल पुराना एक्ट, तो उसके कंपेरिजन में तो एकदम ही ये जो है वो लेटेस्ट एक्ट है, ठीक है। और सीएस के सिलेबस में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसलिए है ना, इसको जब भी पढ़ेंगे आप लोग लर्निंग भी करेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर जैसे ही हो रहा है उसके साथ साथ ये पढ़ लेना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आपके बहुत बार टर्म भी आया होगा, FEO, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। और बाय चांस कम ज्यादा आया आपको नहीं ध्यान में, तो मैं आपको एक ऐसा वर्ड बताऊंगा जिसे आप अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलोगे कि FEO क्या होता है। सबसे पहले ठीक है, किसकी वजह से ये एक्ट आया है और हमें पढ़ना पड़ रहा है ना, तो वो नेशनल हीरोज के मैंने फोटोज दिए आप लोगों को, पहले पेज आप देख सकते हैं, यानी जानबूझ के जो है ना वो मैंने आप लोगों को फोटो दिए हुए हैं, नेशनल हीरोज के फोटोज दिए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर भी अगर मैं बताऊं तो यानी ये वाले जो है नेशनल हीरोज आप लोग को दिख रहे होंगे, ठीक है। दैट इज एक आप लोग के सबसे बड़े नेशनल हीरो इसमें थे विजय माल्या, तो उनको मैंने पूरी एक फ्रेम दी हुई है फोटो में। फिर एक है नीरव मोदी है इसमें, और तीसरे कौन है, मेहुल चौकसी। कौन है बच्चों, मेहुल चौकसी। उन्होंने कम घपला किया था इसलिए इतने लोग कम जानते हैं, वैसा जिसने ज्यादा घपला किया हो उसको ज्यादा लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक कौन है बच्चों इसमें, सबसे पहले विजय माल्या। आप इन तीनों में से किसी को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन विजय माल्या को जरूर जानते होंगे। क्या सर ये तीन ही है क्या? द आंसर इज नो, ये तीन ही नहीं है, यानी इसके अलावा भी जो है ना बच्चों क्या है, बहुत सारे हैं, डन। तो इनकी वजह से जो है ना वो ये एक्ट आया। सबसे पहले है ना, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बोलूँ फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होते हैं, तो सिंपल टर्म में उसके एक वर्ड रखा है, जैसे भगोड़ा। क्या बोला जाता है उसको, भगोड़ा, ठीक है। जो है ना भारत की में से क्या कर दिया, पैसे वैसे लिए, उन पर डेब्ट या लायबिलिटी है, और भारत छोड़ के बाहर भाग गया, तो उनको वापस इंडिया में लाके सजा देने के लिए या उनके पास से वसूली करने के लिए कोई कानून ही नहीं था, और वो लोग क्या करते, यहाँ पे आते थे, बैंकों के पास से पैसे लेते थे, अपनी सेटिंग करते थे और बाहर जाके बस जाते थे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले जो है सरकार ने इसके बारे में सोचा और बोलते हैं इनके लिए इनका तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कि भाई कौन से कानून के तहत में उनको हम वापस लेके आए, और बाहर वाले जो देश वाले वो भी हमारा सपोर्ट करेगा, हम बोल सकते हैं हमारा ऐसा कानून नॉर्मल बना हुआ है, तो उसके लिए ठीक है एक बिल पेश किया गया और एक एक्ट बनाया गया, कौन सा, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, ठीक है। जब भी आए FEO, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, आपको सिंपल टर्म में एक ही वर्ड याद रखना है, भगोड़ा, ठीक है, भगोड़ा है ना, आपको ये वर्ड याद रखना है, क्लियर हुआ। अब ये एक्ट जो है ना वो अपना काम करना भी शुरू कर दिया है, ये एक्ट ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। अब आप ये ना इसमें ना पेजेस को घुमाएंगे ना, तो आपको माल्या जी का एक और फोटो दिखेगा, तीन चार पेज के बाद आपको एक और फोटो दिखेगा, इस तरीके का फोटो आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का फोटो एक आप लोगों को दिखेगा। अब एक पॉइंट समझो, इसमें क्या लिखा है, ये जो एक्ट ने जो है सबसे पहला FEO, सबसे पहला भगोड़ा किसको अनाउंस कर दिया, पूरा प्रोसेस फॉलो करके, दैट इज विजय माल्या। विजय माल्या बिकम्स इंडियाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, क्लियर हुआ बच्चों, श्योर। तो ये वाला जो ये था जीके की बात, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने पड़ेंगे भी एकदम आराम से देखेंगे, एक छोटा सा चैप्टर, एक आधा आंसर जो है आप लोग के एग्जाम में इस चैप्टर में से भी आ सकता है, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, क्लियर हुआ बच्चों, पहले बेसिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते भी देखो, पहले इंट्रोडक्शन में भी वही दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में वैसे भले क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्यों ये है ना एक्ट आया उसका एक बैकग्राउंड आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, डन। तो देखो क्या लिखा है, देयर हैव बीन सर्वरल इंस्टेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फ्लीइंग द ज्यूरिडिक्शन, फ्लीइंग द ज्यूरिडिक्शन यानी कि गायब हो जाते थे, उड़के या कैसे भी करके, मतलब बोलते हैं वो गायब हो जाता था, इंडियन कोर्ट्स एंटीसिपेटिंग द कमेंसमेंट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग और समटाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग। मतलब क्यों गायब हो जाते थे, भाई हमने यहाँ से पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, अब हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो हमारे खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो वो डर से वो लोग भाग जाते थे, या बहुत सारे लोग तो ऐसे भी निकलते हैं जो प्रोसीडिंग चल रही होती है और बीच में से सेटिंग करके भाग जाते हैं। And the absence of such offenders from Indian courts has several deleterious consequences, such as it obstructs the investigation in criminal cases. और जब सुनवाई होती थी तब आते नहीं थे, ठीक है, तो वो जो क्रिमिनल की प्रोसीडिंग चल रही होती थी, वो केस की प्रोसीडिंग चल रही होती थी, उसे बीच में रुकाव आ जाता था। It wastes the precious time of court and it undermines the rule of law in India. कितने लोग ना वेट करते हमारा नंबर कब लगेगा, और ऐसे लोग जिनका नंबर लग रहा है वो कोर्ट में पेश नहीं होते थे, तो कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम होता था वो भी क्या हो जाता था बच्चों, वेस्ट हो जाता था। Further, most of such cases of economic offence involve, ज्यादातर इसमें मामले कौन से होते थे, वही कि मैंने आपको जैसे बताया, और आप इन तीनों को भी इसलिए जानते होंगे,
बैंक से पैसा लिया और घोटाला किया, नॉन रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, और इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की हालत भी है ना बदतर होती चली जा रही थी, वर्सनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया एंड द एग्जिस्टिंग, भारत में जो ऑलरेडी मौजूदा सिविल और क्रिमिनल जो प्रोविजन बने हुए हैं वो इनएडिक्वेट थे टू डील विद द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि इसकी जो बोलते हैं ना गहराई को समझने के लिए कि कितना खतरनाक हो सकता है वो है ना हमें आइडिया नहीं लग रहा था। क्लियर हुआ? In order to address the said problem and lay down measures to deter the economic offenders from evading the process of Indian law by remaining the outside of the Indian courts, देखो क्या लिखा है? In order to address the said problem, ये मामले को जो है वो क्या करने के लिए? Address करने के लिए, ठीक है? और lay down the measures, यानी कि provision बनाने के लिए कि ये जो economic offender बाहर भाग जाते हैं, कि भारत के अंदर law के Indian law के ना मतलब बोलते हैं ना jurisdiction से territorial area से बाहर चले गए तो हमको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। पार्लियामेंट एनेक्टेड लेजिस्लेशन नेमली फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018, हमें पता ही है कोई एक्ट कैसे बनता है, पहले क्या पेश करना पड़ता है बच्चों? बिल पेश करना पड़ता है। एंड टू एंश्योर दैट FEOs पूरे चैप्टर में जहां पे भी आएगा तो क्या उसका फुल फॉर्म रहेगा बच्चों? फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स रिटर्न टू इंडिया टू फेस द एक्शन इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। क्लियर हुआ बच्चों? Sure. और ये जो एक्ट बना है इसमें क्या आएगा? इट प्रोवाइड्स फॉर द मेजर टू डिटर द फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर फॉर इवेडिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ इन इंडिया, के वो जो बच जाते हैं तो उनको क्या करना? पकड़ के लेके आना, ठीक है? बच जाते हैं, कैसे बच जाते हैं? बाय स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट टू प्रिजर्व द सेंसिटी ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। क्लियर हो? तो ये इंट्रोडक्शन से आपको बेसिक आइडिया लग गया था क्या प्रॉब्लम होता है और उसको ओवरकम करने के लिए एक्ट आया है। अब ये एक्ट कैसे वर्क करता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। डन बच्चों? Short, तो इंट्रोडक्शन अगेन से एक बार रीडिंग करते हैं, लर्निंग करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? अब चैप्टर का नाम ये FEO, दैट इज अ फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो हम देख लेते हैं भाई ये एक्ट का जो है इस टर्म का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। एनी इंडिविजुअल अगेंस्ट whom a warrant of arrest in the relation to a scheduled offense has been issued by any court in India, ठीक है? तो क्या लिखा है? Any individual against whom warrant has been issued, warrant मतलब arrest warrant, ठीक है? और arrest warrant क्यों? उसने अगर कोई भी schedule offense किया हो, schedule offense मतलब यानी कि वो offense जो schedule में बताया गया है, एक लिस्ट बना दी गई होगी आपके नॉलेज के लिए और मॉड्यूल में भी है क्या, तो मैंने नेक्स्ट पेज उसके एक पूरा डायग्राम जैसा दिया हुआ है जिसमें कौन कौन से शेड्यूल ऑफेंस आ सकते हैं, मतलब इनमें से अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया है तो आपके खिलाफ अरेस्ट और वारंट आया हुआ है, अगर अरेस्ट का वारंट आया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं वो कौन है बच्चों? फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है? हु हैज लेफ्ट इंडिया सो एज टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और बीइंग अब्रॉड रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंडिया टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज अ फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो पॉइंट समझो बच्चों, जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है और वो शेड्यूल ऑफेंस में आता है और वो शेड्यूल ऑफेंस में आता है लेकिन इंडिया में ही है तो क्या वो एफईओ है? क्या वो एफईओ है? द आंसर इज नो। क्यों? देखो क्या क्या कंडीशन है, कोई भी पहली बात तो इंडिविजुअल ही होना चाहिए, ठीक है? जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट आया और कौन से ऑफेंस के लिए? शेड्यूल ऑफेंस के लिए, ठीक है? और उसके साथ साथ हु हैज लेफ्ट इंडिया और वो इंडिया में नहीं होना चाहिए, उसने क्या इंडिया छोड़ा हुआ होना चाहिए, या फिर बाहर है और हमें पता है वो बाहर कहां पे है लेकिन इंडिया में आने से मना कर रहा है, क्यों? मेरे खिलाफ तुम लोग क्रिमिनल केस चलाओगे, प्रोसिक्यूशन चलाओगे, तो वो क्या उसको हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे बच्चों? फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। लेकिन इसके लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो हम आगे देखेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर शेड्यूल ऑफेंस में कौन से जनरली ऑफेंस आते हैं? इट मे बी नोटेड दैट शेड्यूल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल जो है ना इसके साथ अटैच होगा जो पीछे देखेंगे। अच्छा, उसमें कांड कितने का किया होना चाहिए? इधर टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इन सच ऑफेंस और ऑफेंसेस इज 100 करोड़ रुपीज और मोर, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है? ये शेड्यूल ऑफेंस होने चाहिए लेकिन वो आपने चुना जो लगा है वो कितने का लगा होना चाहिए? कम से कम 100 करोड़ या उससे ज्यादा का स्कैम होना चाहिए। कोई डाउट अच्छे जाते पक्की बात? श्योर। चलिए फिर देखो नेक्स्ट पेज आपको एक डायग्राम दिखेगा, पहले वो देख लेते हैं। Following offences are scheduled offences, मिला? तो ये सिर्फ मैंने थोड़ा लर्न करने जैसा पार्ट है, एक बार रिलोड कर लेना ताकि आइडिया रहे। देखो जो कुछ ऑफेंसेज आईपीसी के कुछ सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ऑफेंस किया हो, 588 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक का ऑफेंस किया, सेक्शन 9 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेक्शन 135 ऑफ द कस्टम एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द देखो बेनामी प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजेक्शन किया वो भी इसमें शेड्यूल ऑफेंस में माना गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेबी का सेक्शन 12 और 24 का अगर आपने कोई ऑफेंस किया हो तो, सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 ऑफ द LLP एक्ट, सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट के भी कुछ सेक्शन एंड ऑल दिए हुए हैं। तो ये सारे में से अगर आपने कुछ भी कांड किए हैं और वो वैल्यू कितने से ज्यादा है? 100 करोड़ और मोर का है तो उसको हम लोग किस में काउंट कर देंगे बच्चों? शेड्यूल ऑफेंस में काउंट कर देंगे। बोले बच्चों यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, पक्की बात? ठीक है,
अब आते हैं सेलिएंट फीचर्स होते हैं, ये हमेशा बोलता हूँ सेलिएंट फीचर और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको हमेशा कब पढ़ने चाहिए, चैप्टर के एंड पे, क्यों, वो पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है ना वो बताया होता है, और हम जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं उसमें ये पॉइंट आ ही जाता है। देखो मैंने जैसे पार्ट बोल्ड किया हुआ है तो आपको आइडिया लग जाएगा ये सब चीजें आगे डिटेल में आने वाली है, सो डोंट वरी एट ऑल। पहला डेफिनेशन दी इन्होंने अलग अलग टर्म की, एफईओ, केएमपी, प्रोसेस ऑफ क्राइम एंड ऑल की। फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोविजन, मैंने क्या बोला अभी आपको स्टार्टिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ इसको पढ़ लेना चाहिए, उसमें ढेर सारे कंसेप्ट जो वहां पे आए थे ना वो वापस यहाँ पे रिपीट होंगे, जैसे कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वहां पे आया हुआ था, सर्वे सर्च और सीजर के प्रोविजन है, कॉन्फिस्केशन के है, क्या डिसएंटाइटलमेंट, क्या उनके पास हक नहीं रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने का पॉइंट, अपील टू द हाईकोर्ट का पॉइंट, तो ये सब कैसे होता है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और जो पहले पॉइंट में लिखा था डिफाइन द टर्म एफईओ, एफईओ हमें ऑलरेडी पता ही है, हमने अभी देखा प्रोसेस ऑफ क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग में भी था, यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन में क्या वो मैंने इसके नीचे ही दे दिया, ठीक है। और तीसरा केएमपी, केएमपी मतलब कंपनी एक्ट के हिसाब से हमें पता ही, उसमें डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीएस, ये सब भी उसमें आते हैं, ठीक है। चलिए प्रोसेस ऑफ क्राइम क्या लिखा बच्चों, प्रोसेस ऑफ क्राइम सेम आधी डेफिनेशन तो वही है जो उसमें पड़ी थी मनी लॉन्ड्रिंग में, मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव और ऑब्टेन, ठीक है, जो आपने डिराइव की होती है आप मिली होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज रिजल्ट ऑफ विच एक्टिविटी बच्चों, क्रिमिनल एक्टिविटी, जो किसमें बताई गई है रिलेटेड शेड्यूल ऑफेंस, ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी वेयर सच प्रॉपर्टी इज टेकन और हेल्ड आउटसाइड इंडिया देन द प्रॉपर्टी इक्वल इन वैल्यू हेल्ड विद इन द कंट्री और अब्रॉड, ठीक है। तो अगर बाहर वाली प्रॉपर्टी तो उसकी जो भी इक्वल वैल्यू होगी उसको हम लोग यानी इंडिया में क्या काउंट कर देंगे, उसको प्रोसेस ऑफ क्राइम में काउंट कर देंगे। डन बच्चों, श्योर, पक्का, सिंपल है ना एकदम। चलिए अब आया है कोई एफईओ है, हमें लग रहा है डाउटफुल है ये एफईओ, इसको एफईओ घोषित करना चाहिए, ठीक है, क्या डायरेक्टली किसी को बोल देंगे, आप बैठे हो पढ़ रहे हैं, आया कोई आया भाई इसको एफईओ डिक्लेयर कर दो, ऐसा कर देंगे क्या, नहीं। इंडिया में क्या होता है एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्यों, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है आप ऐसे डायरेक्टली कुछ काम मत करें, हमने तो कसाब को भी केस लड़ने के लिए वकील दिया था और तो क्या बोलूं, गेटिंग माई पॉइंट, तो भारत वो देश है तो इसलिए बोला हुआ है कि डिक्लेरेशन करवाना है तो कैसे डिक्लेरेशन करवाया जा सकता है, तो उसके लिए पॉइंट दिया हुआ है, एकदम प्रोसीजर दिया और एकदम ही सिंपल है, आइए रीड कर लेते हैं। वेयर द डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर हैज अ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल अर्निंग्स देखो ये जो आप चार लाइन दिए ना बच्चों ये इस चैप्टर में तीन से चार बार ऑलरेडी आएंगे, आगे भी आएगी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, वेयर द डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पता है वहां पे भी ये लैंग्वेज आती थी, वहां पे भी होता था डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट वाला, ठीक है। तो पीएमएलए एक्ट में जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और कोई भी दूसरा ऑफिसर, वहां पे भी ये लैंग्वेज आती थी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, कम से कम कौन से लेवल का बंदा होना चाहिए बच्चों, डेप्यूटी डायरेक्टर के लेवल का बंदा होना चाहिए, उसको बैठे बैठे लग रहा है रीजन टू बिलीव, जो भी उसके बाद इन्फॉर्मेशन है दैट एनी इंडिविजुअल इज ए एफईओ, तो वो क्या कर सकता है बच्चों, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। ही मे फाइल एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब मैनर इन द स्पेशल कोर्ट दैट सच इंडिविजुअल, इसको क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए, एफईओ दैट इज अ भगोड़ा फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, क्लियर। अच्छा वो जो रीजन है ना बच्चों, ऐसा नहीं मुझे लग रहा है, राइटिंग में देने पड़ेंगे उसको, ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, क्लियर। वो एप्लीकेशन में क्या होगा बच्चों, कि कौन से रीजन है जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि ये इंडिविजुअल केस में है एफईओ है, एफईओ का फुल फॉर्म बोल दीजिए एक बार, फ्यूगेटिव बोलो इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। दूसरा एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज टू वेयर अबाउट्स ऑफ द फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंस, क्या तेरे पास उसके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन हो कि आज की डेट में कहां छिपा बैठा हुआ है, वो भी आपको एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। तीसरा कौन सी ऐसी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी या वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी जो उसको लग रहा है ये प्रोसेस ऑफ क्राइम से, भले वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, इंक्लूडिंग एनी सच प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। फिर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेनामी प्रॉपर्टी है जो उसकी इंडिया में है या बाहर कोई प्रॉपर्टी, मतलब ये एप्लीकेशन में इनको बोला ना ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन दिस पोजेशन, तो तेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन वो तो देनी पड़ेगी ना, ठीक है। कौन देगा, डायरेक्टर जो पीएमएलए एक्ट में होता है या एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, या फिर लिस्ट ऑफ पर्सन हु मे हैव एन इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टी लिस्टेड अंडर क्लॉज सी एंड डी, या फिर ऐसे कोई लोग जो हम प्रॉपर्टी उसकी बता रहे लेकिन है ना दूसरे लोगों को भी इंटरेस्ट है उसमें, तो ये सब लोग, तो ये इन्फॉर्मेशन उसको प्रॉपरली सबमिट करनी पड़ेगी इन राइटिंग, ठीक है। किसको सबमिट करनी पड़ेगी, आएगा ना, किसको सबमिट करेंगे, क्या ध्यान रख रहे हो तुम लोग पढ़ते हो, फिर अंडरलाइन नहीं कर रहे हो ना लिख रहे हो, टू द स्पेशल कोर्ट, क्लियर कट लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में।
वेर एन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड, ठीक है, मतलब आपने एप्लीकेशन प्रॉपरली फिल कर दी, द स्पेशल कोर्ट शैल इश्यू अ नोटिस टू एन इंडिविजुअल, जिसपे हमें डाउट है, स्पेशल कोर्ट उसको भी अपनी बात रखने का मौका देगा ना, तो उसको एक नोटिस इशू कर देगा. नोटिस शैल ऑल्सो बी इशू टू एनी अदर पर्सन हुज हैज एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मेंशन इन द एप्लीकेशन. जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा उसका ई पॉइंट देखो, कोई भी दूसरे लोग जिसका इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, तो उसको भी एक नोटिस भेज देंगे, भाई तुझे ये प्रॉपर्टी तेरी क्यों लग रही है एंड ऑल, तू भी आ जा. फिर जो नोटिस होगा ना स्पेशल कोर्ट का, उसमें क्या लिखा होगा, रिक्वायर द इंडिविजुअल टू अपियर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम नॉट लेस देन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच नोटिस, मतलब इस दिन इस जगह पे आ जाना, और वो भी मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर का टाइम हो सकता है बच्चों, 6 हफ्ते के अंदर अंदर का. और अगर वो नहीं आ सकता, स्टेट दैट फेलियर टू अपियर ऑन द स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम शैल रिजल्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिविजुअल एट द एफईओ और उसकी प्रॉपर्टी को हम जब्त कर देंगे. मतलब अगर हमने बुलाया और तुमने, क्योंकि ये सीरियस मामला है, आना पड़ेगा, ठीक है, और अगर नहीं आए तो हम तेरे को क्या डिक्लेयर कर देंगे, एफईओ, और फिर आगे इसके अंदर एक्ट में जो भी और दिया हुआ है आगे वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, चलिए, ए नोटिस पढ़ना, ए नोटिस शैल बी, ए नोटिस शैल आल्सो बी फॉरवर्ड टू द सच अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई फॉर इफेक्टिंग सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. अब यहां पे पॉइंट समझो, एफईओ की डेफिनेशन याद करो, क्या उसने कोई शेड्यूल ऑफेंस किया और अरेस्ट वारंट आ गया तो क्या वो एफईओ हो जाएगा, नहीं, वो बाहर होना चाहिए ना. तो यहाँ पर बोला नोटिस जो अगर बाहर है कौन से देश में वो बताए, तो वहां की जो अथॉरिटी होगी, अगर वहां की अथॉरिटी के पास है ना जो नोटिस भेजना है, तो डायरेक्टली ऐसे स्पेशल कोर्ट नहीं भेज सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले बोलेंगे आप जरा बात करो ना यार. ठीक है, तो कॉन्टेक्टिंग स्टेट की मैंने नीचे डेफिनेशन भी दी हुई है. कॉन्टेक्टिंग स्टेट यानी कि बाहर वाला जो कंट्री है, स्टेट यानी कि कंट्री, पहले वो पढ़ लेते हैं. कॉन्टेक्टिंग स्टेट मीन एनी कंट्री. कॉन्टेक्टिंग स्टेट मीन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अरेंजमेंट्स have been made by the CG with the government of such countries through a treaty. और मतलब आपसी बात करके, हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, आप भी हमारी जरूरत पड़ने में मदद करना, हम भी आपके, अगर इंडिया में अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हम देंगे, जिसके लिए मैं ट्रीटी या अग्रीमेंट साइन किया होगा. ठीक है, तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस देश में मुझे किससे बात करनी है, किससे बात करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ के वहाँ पे भी एक नोटिस भेज देंगे. एंड द ऑथोरिटी शैल मेक एफर्ट टू सर्व द नोटिस, कितने टाइम पीरियड के अंदर बच्चों, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, मतलब हमने उनको भेज दिया, फिर उस देश में जो भी है ना हमारा एफ ई ओ वहाँ पे जाके छुपा पड़ा है, तो वो ऑथोरिटी वहाँ पे उस देश में उसको क्या कर देगी, नोटिस भेज देगी 2 हफ्ते के अंदर. कोई कंफ्यूजन? फिर इन नोटिस में ऑल्सो बी गो टू द इंडिविजुअल अलर्ट टू बी एफ ई ओ बाई द इलेक्ट्रॉनिक मीन. मेल वेल तो डाल के रख ही सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन यानी मेल वगैरह कर दिया. फिर वेन एनी इंडिविजुअल टू हूम द नोटिस हैज बीन इशू बाय द स्पेशल कोर्ट शैल अपियर इन पर्सन एट द प्लेस एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस द स्पेशल कोर्ट मे टर्मिनेट द प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट. ठीक है, तो मतलब वो आया और हमने अपनी बात रखी और स्पेशल कोर्ट को सेटिस्फाई हो गया, तो स्पेशल कोर्ट उस मामले को वहीं पर भी रोक सकते हैं, लेकिन आना जरूरी है पहली बात, तो एक बार तो आना ही पड़ेगा. ठीक है, लेकिन क्या लिखा है, वेन एनी इंडिविजुअल टू हूम नोटिस हैज बीन इशूड फेल्स टू अपियर एट द प्लेस एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस बट एंटर्स अपियरेंस थ्रू काउंसिल, यानी कि खुद नहीं आया, आपने लॉयर को भेजा, द स्पेशल कोर्ट मे इन डिस्कशन गिव यू पीरियड ऑफ 1 वीक टू फाइल ए रिप्लाई टू द एप्लीकेशन. एक बार तो उससे बात कर लेंगे और फिर उसको और एक हफ्ते का टाइम देंगे, भाई ऐसा क्यों किया तुमने. ठीक है, लेकिन आए नहीं वो, वेर एनी इंडिविजुअल टू हूम नोटिस हैज बीन इशूड फेल्स टू एंटर अपीयरेंस आइदर इन अ पर्सन और थ्रू ए काउंसिल एंड द स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द उसके बाद नोटिस पहुंच चुका था. एक क्या रीजन है कि भाई शायद नोटिस ही नहीं पहुंचा होगा. ठीक है, तो नोटिस उसके पास पहुंच चुका था एंड और दैट नोटिस कुड नॉट बी सर्व्ड इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स. हमने पता लगाने की ट्राई की कहां पे वहां पे कैसे नोटिस भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी भेजा और आपको फिर भी नहीं पहुंच पाया बिकॉज सच इंडिविजुअल हैज इवेडेड सर्विस ऑफ नोटिस. क्या भाई ना मेल ब्लॉक करके रख दिया है या फिर वहां पे पहुंच नहीं पा रहा है, ऐसा कोई एड्रेस है जहां पे जा ही नहीं सकते, कोई आइलैंड पे जाके बैठ गया है. ठीक है, इट मे आफ्टर अकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग प्रोसीड टू हियर द एप्लीकेशन. फिर नहीं आई तो अपने हिसाब से क्या कर देगा, उसकी सुनवाई कर देगा. ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा बच्चों, क्या डिक्लेयर करने का कि भाई इसको एफईओ डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, और फिर जो डिक्लेरेशन करना है वो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ एफईओ, जो ऑलरेडी विजय माल्या की खिलाफ ये प्रोसीडिंग हो चुकी है और उसको ऑलरेडी एफईओ जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है. डन, तो कल हम लोग ये पढ़ेंगे, ये 4 पेज जो है ना इसके स्टार्टिंग के वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे. बाद में जो हेडिंग आएगा ना बच्चों, वो आप लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के हेडिंग ज्यादा लगेंगे, तो उसको सिर्फ एक बार रीड आउट कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे बच्चों, कंप्लीट कर देंगे, बैकअप कर देंगे. डन बच्चों, श्योर, तो इसको एक बार है ना आप लोग पढ़ लीजिए और है ना एक बार है ना जो भी मैंने पढ़ा, छोटा सा चैप्टर है, 2-3 दिन का चैप्टर है, तो इसको पढ़ के आराम से क्या करते जाइए, कंप्लीट करते जाइए, और कोई भी डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइस.